छात्रों नमस्कार। आज का टॉपिक है गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। गुरुत्वीय विभव यानी वी और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इस पर बात करेंगे। तो छात्रों, यदि किसी बिंदु द्रव्यमान एम के कारण उससे स्मॉल आर दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई तथा गुरुत्वीय विभव वी है। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, यहाँ पर कैपिटल एम द्रव्यमान रखा हुआ है, तो इससे स्मॉल आर दूरी पर, मान लीजिए ये दूरी है स्मॉल आर है, यहाँ पर कोई दूसरा बिंदु है बी, ये बिंदु है ए, इनके बीच की दूरी है स्मॉल आर। इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है वो है आई और गुरुत्वीय विभव है वो है वी। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है आई इक्वल टू होगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा आई इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जिसको हम अपने तथा बिंदु बी पर गुरुत्वीय विभव है वो होगा वी इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। ये गुरुत्व विभव का फॉर्मूला है, इसको भी हम अपने पिछले वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ से ये हो जाएगा, अथवा यानी कि वी इक्वल टू है माइनस जी एम अपॉन आर, इसमें ऊपर और नीचे आर का गुणा करेंगे, यानी माइनस जी एम अपॉन आर, इसमें आर का गुणा और भाग कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे ये कट जाएगा तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, तो गुणा भाग कर देंगे ऊपर नीचे, तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को आगे आर को कॉमन लेके ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं जी एम अपॉन आर का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आगे वी इक्वल टू माइनस आर ब्रैकेट में जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या है, ये आई की वैल्यू है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये आई की वैल्यू है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं आई, तो ये हो जाएगा वी इक्वल टू माइनस आर आई। तो यहाँ से आर का इधर भाग लग जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वी अपॉन आर। तो यहाँ पर हमें ये वाला फॉर्मूला प्राप्त हो गया। यही गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। यहाँ पर आई है ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, और वी है ये गुरुत्वीय विभव है। धन्यवाद।